अमी चंदनी अमी दृष्टि। प्रवचनकार वर्धमान तपोनिधि आचार्य देव श्रीमद विजय भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज। अमीचंद जेल में पड़ो परमात्मा ने ज याद करी करी एमनो शरण स्वीकारी रह्यो छे। समझे छे के आ उत्तम जीवन ने योग्य आ कार्य छे। घेर बैठा अनेक सांसारिक उपाधियों में एटलू भगवत स्मरण थई शकतु नहोतु ते अहीं एटलू आज करवानो खरो अवसर मळ्यो छे। एमाय दुख प्रतिकूलता ए तो वळी भगवान साथे हयुं जोड़वा माटे सीधी सांकळ। केम के दुख में भगवान बहु याद आवे। दुख में दुनिया सगी न थाय, भगवान सगा थाय। कारण के ए उत्तम तत्व आश्वासन अने आलंबन आपे छे। आ जेलवास तो भगवत स्मरणनी एक अनुकूलता ज मानू। वचमा जेलर राजाना कहेवाथी अमीचंदने ततड़ावे छे, साटकाय लगावे छे, भूख्योय राखे छे। त्यारे अमीचंदनी अमीदृष्टि आ बधी परिस्थितिनु मूळ जोवा तरफ छे। एटले एने पोताना पूर्वजन्मकृत पाप अने ए करनार पोतानो पापनिष्ठ आत्मा ज नजरे चढ़े छे। तेथी पाप अने पापी स्वात्मानी जुगुप्सा करतो भगवान ने एक ज प्रार्थना करे छे के नाथ एटली कृपा करजो के हवे अहीं मारू मन न बगड़े, पापनी तथा पाप बुद्धिनी दोस्ती न थाय अने आ भला राजा पर जराय रोष न थाय के आ निर्धारित परिस्थिति उपर शोक उद्वेग न थाय। आ कष्ट तो मारो पूर्वनो पाप कचरो काढ़ी रही छे। दृष्टि में मूल जोवानो लक्ष्य साची वस्तुस्थिति पर केन्द्रित ध्यान ए अमी छे। आवा अमीनी बलिहारी छे। मूल कर्म अने ए उभा करनार पापी स्वात्माना ज विचार जोईए तथा वस्तुस्थिति में दुख ने प्रतिकूलता तो निर्धारित ने अनिवार्य छे। पण एमां पाप कर्म भोगवाई खत्म थता जाय छे ए वस्तुस्थिति छे। उपरांत भगवत स्मरणनी खरी तक छे। आ लक्ष्यवाळाने चित्त केटलू बधुं स्वस्थ अने स्वच्छ, हयु केटलू बधुं फोरू अमीचंद आ अनुभवी रह्यो छे। तर्क शक्ति नो गजब पुरावो अमी चंदनी अमी दृष्टि। पुस्तक ना पाने पाने थई अनराधार अश्रु वृष्टि।